नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। कैसे हैं आप सभी? तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस यानी प्राणायाम, और उसका नाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, या बहुत से लोग इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्राणायाम के नाम के बारे में। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी मीन्स हमारे एनर्जी चैनल्स, शुद्धि मीन्स उनका प्यूरिफिकेशन या क्लिंजिंग, और प्राणायाम यानी ब्रेथ कंट्रोल। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर की जो भी 72,000 से भी अधिक नाड़ियां हैं, एनर्जी चैनल्स हैं, जिससे हमारे प्राण का प्रवाह हो रहा है, उनका होता है शुद्धिकरण। और प्राणायाम का मतलब क्या हुआ? प्राण मीन्स प्राण वायु, लाइफ फोर्स, आयाम मीन्स उनका कंट्रोल यानी उसको सही दिशा में रिडायरेक्ट करना। और आपको पता है, एक बार हमारे प्राण पे, हमारे जो एनर्जी चैनल्स पे, उन पे हमारा कंट्रोल हो गया, उनकी साफ़ सफाई हो गई, उनका प्यूरिफिकेशन हो गया, तो आप अपने मन को, अपने जो अपने माइंड को है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस दिन जिस इंसान ने भी अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसने इस संसार के जो माया जाल है उससे मुक्ति पा ली। अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए नए मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट इस वीडियो में बताई गई अच्छी अच्छी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और आप परिवार का हिस्सा बने। इसके अलावा अगर आपको योग और प्राणायाम से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोज़ और पिक्चर्स पोस्चर्स देखने हैं, तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस प्राणायाम के इतने बेनिफिट्स हैं कि इस वीडियो में अगर मैं बताना शुरू करूं तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूं। सबसे पहला तो, जैसे मैंने बताया, इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर की 72,000 से भी अधिक जो नाड़ियां हैं उनका शुद्धिकरण होता है, एनर्जी चैनल्स का शुद्धिकरण होता है, जितनी भी ब्लॉकेज होती हैं शरीर में वो खुलती हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स आते हैं, हमेशा आपका मन जो है बहुत ज़्यादा चंचल होता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन की शिकायत है, फोकस की समस्या है, अगर आपका मन एक जगह पे स्थिर नहीं होता, वो इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, तो इस प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा चिंता में घिरे रहते हैं, हमेशा एक डर की भावना होती है आपके अंदर, तो भी इस प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, साइनस की समस्या है, अगर आपको कभी भी कफ कोल्ड हो जाता है, हमारे शरीर के जो भी 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ, वो सारे जो हैं कंट्रोल होते हैं, आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो अच्छा होता है, आपके शरीर का जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यानी श्वास लेने की क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपको अस्थमा की शिकायत है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अगर आपको आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आपको आपके शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस है, अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस, अगर आपका वेट लॉस नहीं होता, अगर आपका वेट गेन नहीं होता यानी हार्मोन्स की समस्या, अगर आपको थायराइड की समस्या, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, अगर आपको जननांग से रिलेटेड कोई समस्या, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, अगर खाना ढंग से नहीं पचता, अगर आपको बेहद खर्राटे आते हैं, अगर आपको रात में नींद नहीं आती, पीसफुल नींद नहीं आती, डीप नींद नहीं आती, अगर आप वो खुशी जो अंदर की एक हैप्पीनेस है उसको महसूस नहीं कर पाते, अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं करती, कभी भी कोई भी फुड़िया फुंसी निकल जाती है, तो भी इस प्राणायाम का अभ्यास करें। इस प्राणायाम के अभ्यास करने से आपके एनर्जी चैनल्स का जब शुद्धिकरण होता है, तो फेस में वो ऑटोमेटिकली ग्लो दिखेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के चेहरे कैसे चमचमाते रहते हैं, वो ना ही कोई मेकअप करते हैं, ना ही कोई पार्लर जाते हैं, लेकिन जो अंदर की तरफ से जो साफ़ सफाई होना है वो बहुत ज़रूरी है। बाहर से हम भले कितनी भी महंगी क्रीम लगा लें, कितनी भी कोई भी जतन कर लें, लेकिन अगर हमारे ब्लड प्यूरीफाई नहीं है, अगर हमारा एनर्जी चैनल्स जो है वो प्यूरीफाई नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इन सब सारी चीज़ों का। तो दोस्तों, ये तो सारे थे बेनिफिट्स। इसके अलावा इसके प्रिकॉशन या कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो इसका कोई भी सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिन में किसी भी वक्त अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। अगर सोने के पहले अगर आपको डीप
स्लीप चाहिए तो उसके पहले भी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आइडल तो ये होगा कि सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि सुबह ही आपने अपने शरीर को इतना एनर्जाइज कर लिया है, अपनी नाड़ियों की शुद्धि कर ली है, तो आपका दिन कितना अच्छा होने वाला है। इसके साथ साथ आप दिन में आप 3 बार 5 से 10 मिनट अगर नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो फर्क आपको खुद महसूस होगा, आपके अंदर वो ऊर्जा महसूस होगी आपको और आप रोगों से बहुत ज़्यादा दूर भागेंगे। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से बिगनर्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, कितनी देर सांस लेनी है, कितनी देर सांस होल्ड करनी है और कितनी देर सांस छोड़नी है, यानी पूरक कितना टाइम, कुंभक कितना टाइम, रेचक कितना टाइम। पूरक का मतलब हुआ इनहेल सांस लेना, कुंभक का मतलब हुआ होल्ड करना, सांसों को रिटेन करना, फिर उसके बाद जब रेचक है उसका मतलब क्या हुआ एक्सहेल करना, यानी सांसों को बाहर निकालना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेनी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सांस तो आप तब लेंगे जब पिछली जो सांस आपने ली थी उसका एक्सहेलेशन पूरा हो और आपके फेफड़ों में वो जगह बन सके जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लें। तो जब आप ज़्यादा एक्सहेल करेंगे तो ज़्यादा इनहेल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम का, आपको दिखलाती हूँ। तो हाथों की स्थिति किस तरीके से रहेगी, जो आपका उल्टा हाथ है लेफ्ट हैंड है वो होगा चिन मुद्रा में। चिन मुद्रा किस तरीके से करते हैं, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को दोनों को एक साथ मिलाते हैं और बाकी की 3 उंगलियां बाहर की तरफ, ये हो गया चिन मुद्रा। और इसको अपने घुटनों पे इस तरीके से रख लेंगे। और जो आपका सीधा हाथ है वो होगा विष्णु मुद्रा, या इसको नासिका मुद्रा भी कहते हैं। उसकी स्थिति किस तरीके से होगी, आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी दोनों उंगलियां इस तरीके से आप अपने पाम्स की तरफ इस तरीके से मोड़ लें और बाकी की 2 उंगलियां छोटी उंगली और के रिंग फिंगर है वो, उसकी स्थिति इस तरीके से होगी, खड़े होंगे और अंगूठे से हम बंद करेंगे अपने नाक को। से चलिए करती हूं 2 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोशिश कीजिए इस प्राणायाम का अभ्यास आप सुबह सुबह ज़रूर करें। अगर आप एक बार में बैठ के नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो कम से कम 9 राउंड्स नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के करें और अधिक से अधिक अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। सुबह उठिए, फ्रेश होइए और उसके बाद आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करने के तुरंत बाद ही आपको मन में एक हल्कापन लगेगा, शरीर में एक हल्कापन लगेगा और एक खुशी की अनुभूति होगी। उस खुशी को महसूस कीजिए और इस प्राणायाम को जितनी धीरे धीरे हो सके आप करना पॉसिबल हो आप उतना धीरे धीरे करें। बहुत धीरे धीरे आपको सांस लेनी है और उतनी ही धीरे धीरे आपको सांस छोड़नी है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में बहुत अच्छा समन्वय स्थापित होता है। हमारे शरीर की जो मुख्य नाड़ी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों में बैलेंस स्थापित होकर जो भी एनर्जी का प्रवाह है वो सुषुम्ना नाड़ी से आगे प्रवाहित होता है, एक तरीके का शरीर में समन्वय स्थापित होता है। इस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जो भी दुख चिंता स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन ये सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म कर सकते हैं आप। अगर हर दिन आप कम से कम 5 से 10 मिनट का वक्त निकाल के सिर्फ इस प्राणायाम का अभ्यास कर ले तो बहुत सारे रोगों को आप अपने आप से दूर भगा सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। जब आप इस प्राणायाम को करेंगे आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन महसूस होगा। इंस्टेंटली आप देखेंगे कि आपका सर बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। 2-3 चीज़ें इस प्राणायाम को करते वक्त ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से सांस मत लीजिएगा जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, और बहुत ज़ोर से सांस मत छोड़िएगा। सांसें इतनी ज़्यादा धीरे हो कि आपके बगल में जो इंसान बैठा हो उसको तक पता ना चले। इनफैक्ट
लॉजिक तो ये है कि आपकी सांसें इतनी ज़्यादा धीरे हो कि अगर आपके नाक के नीचे कोई पक्षी का पंख रख दिया जाए तो वो भी ना उड़े, इतनी ज़्यादा धीरे और इतनी ज़्यादा सौम्य। तो आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपकी बाई नासिका से सांस लिया, उसको थोड़ी देर होल्ड किया और अपनी राइट नासिका यानी दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ दिया, फिर वापस से दाहिनी नासिका यानी राइट नॉस्ट्रल से सांस लिया, उसको थोड़ा देर होल्ड किया और एक्सहेल कर दिया यानी सांस छोड़ दिया अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से। वापस से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, रिटेन करेंगे, राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, रिटेन करेंगे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से उस सांस को छोड़ देंगे। कॉमन मिस्टेक बताती हूँ लोग क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि सबसे पहला तो हाथ को बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेंगे इस तरीके से और सर को इस तरीके से और फिर इस तरीके, मतलब उनको कोई तरीका नहीं होगा कि कब सांस ले रहे हैं कब सांस छोड़ रहे हैं। यही सारे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें योग करने के बाद कुछ अभ्यास करने के बाद कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये चीज़ें नहीं करनी। कुछ कॉमन मिस्टेक बताती हूँ लोग क्या करते हैं, वो इतनी ज़ोर से सांस लेंगे ऐसा लगता है कि आसपास की सारी जितनी भी ऑक्सीजन है उन्होंने ले लेनी है, ऐसा नहीं करना है। वो सांस रोकते भी नहीं हैं और अननेसेसरी का अपने जो बैकबोन है उसको ऊपर से नीचे इस तरीके से हिलाते डुलाते रहते हैं, वो चीज़ करनी नहीं है। आपको सिंपल एक जगह पे बैठ जाना है, चाहे आप कुर्सी पे बैठे, चाहे आप टेबल पे बैठे, चाहे आप ज़मीन पे बैठे, सोफे में बैठे, किसी भी तरीके से आपको एक जगह पे बैठ जाना है। और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि सांस को रोकते नहीं है, तो उन्होंने अनुलोम विलोम और कपालभाति को एक साथ मिला दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले करेक्ट टेक्निक सीखिए और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप करें, बहुत चमत्कारी प्राणायाम है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते क्यों, क्या ज़रूरत है अपनी राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना पड़ेगा प्रेस, सो दैट जब भी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो वो डालूं तो आप उस वीडियो को मिस ना करें और आराम से इस प्राणायाम को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो कैसा लगा मेरा प्रयास नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अच्छी तरीके से अभी आप इस प्राणायाम को कर सकेंगे। इन्हीं सब संदेशों के साथ अपनी फिटनेस का प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।